हे एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। अभी 11:30 बज रहा है। स्टेयर से चढ़कर आई हूँ। तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, पता है? आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज एक मिनट बैठ के बात, पता नहीं क्यों कोल्ड की वजह से हल्का हल्का फीवर टाइप का लग रहा है। हटो, बैठने तो जाओ। आज कोल्ड की वजह से फीवर टाइप का लग रहा है, हल्का हल्का सा। बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। मैंने खाना बना, मतलब जैनी और मिट्टी दोनों को खिला दिया। सिर्फ मेरा भी कुछ भी खाने का मन नहीं है, हल्का फीवर लग रहा है। अभी चेक करूँगी जाकर ये कितना है फीवर। ज़्यादा आगे नहीं जाना, पता है कोल्ड होता है ना तो क्या होता है, नाक वाक में एक बंद हो रखी होती है और बहुत तगड़ा वाला कोल्ड हुआ है, तो उसकी वजह से स्टेयर से ऊपर चढ़कर आओ ना तो बिल्कुल से सांस होती है ना तो बहुत वो रहती है। देखो जैनी, देखो अभी मिट्टी के जो मैंने है हेयर वॉश की, अभी इसकी चोटी बनानी है। खराब है, कपड़े मैंने धुल के टांगे थे। वो बेटा साइड में नहीं जाना, इधर आओ मेरे पास आओ। दोनों लोग नहीं करेगी, इधर आओ मेरे पास। हाँ, देखती हूँ कपड़े सूखे, कपड़े मैंने धुल के टांगे थे। धूप भी आज एक तो वो वाली हो रही है, पता है, आने जाने वाली आ रही है, जा रही है। कपड़े पता नहीं सूखेंगे भी कि नहीं सूखेंगे, लेकिन है भी कपड़े जितने होते हैं सूखते नहीं है, हल्के वाले कपड़े तो सूख जाते हैं आराम से। एक मिनट, इसीलिए मैं कपड़ों को क्या करती हूँ, पलटाती रहती हूँ कि वो सूख जाए। बेटा यहाँ आओ, मिट्टी यहाँ आओ, दौड़ो नहीं तो आपको गिरा देगी जैनी। बेटा क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं सूखा है, सब गीले हैं कपड़े यार। रहने दो यार, मिट्टी भी पता है बच्चे और शैतानी करते हैं, जब कोई मन नहीं होता कुछ भी करने का तो कैसे शैतानी कर रहे हैं पीछे, मानते नहीं है ये लोग यार। तो मेरा फेस भी बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आज देखने में, थोड़ा थोड़ा सा आंखें झुकी झुकी से लग रही हैं। मैंने अपने कोम भी नहीं करा, देखो जब किस तरह से बनी हुई हूँ मैं। एक मिनट, कपड़े चलाती हूँ। सो इतने कपड़े भी मेरे सूख गए हैं जो लेकर जा रही हूँ नीचे। चलो नीचे मिलती हूँ आप लोगों से। जा रही हूँ फीवर चेक करने, देखती हूँ कितना है कितना नहीं है, फीवर है भी या नहीं है, अगर है तो कितना है। फीवर नहीं लग रहा है, पर मुझे अंदर से लग रहा है, कैसा लग रहा है। फीवर तो 95.3 निकला है, फीवर तो नहीं है, बट पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है। बेटा कुछ नहीं करना उसको, अरे क्या कर रही हो ये? तो मुझे फीवर तो नहीं निकला है, फीवर तो नहीं निकला, बस ये कि अंदर से पता नहीं क्यों शरीर ऐसा लग रहा है टूट रहा है बहुत भयंकर तरह से, बहुत भयंकर तरह से शरीर तो इतना भयंकर टूट रहा है कि क्या बताऊँ। मतलब शोल्डर दर्द कर रहा है, क्या कर रही है? वो देखो वो भी चेक कर रही है। अरे क्यों चेक कर रही है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। देखो ऐसे चेक कर रही है, मन कर रहा है बस सोते रहो कुछ भी करने का मन नहीं। इनको देखो, इनको ही फीवर चेक करने का बड़ा शौक छोड़ा है। वो जो काम हम लोगों को देखती है करते हुए वही खुद भी करती है। वैसे भी बच्चे जो है सारी चीज़ें घर से ही सीखते हैं। जुकाम है? हाँ। आप कहाँ हैं? आपको तो नहीं है कोल्ड? मिट्टी का काजल दो, कितना तगड़ा वाला लगा है। ठंडा पानी बिल्कुल पिया है उसने, कह रही है मैंने ठंडा पानी बिल्कुल पिया है। क्यों पिया है ठंडा पानी आपने? हैं, क्यों पिया है ठंडा पानी? उसको बंद करो पहले, बंद करो, बंद करो पहले उसको, बंद करो। अब उसको टॉयज बना लेगी अपना, जब तक मैं उठ के उसको रखूंगी नहीं तब तक वो मानेगी नहीं। अभी एक बार मना करो, बच्चों को समझ नहीं आता है। रख दो बेटा, देखो कहाँ से निकाल रही है, कहाँ से डंडा डाला है। देखो टी शर्ट में डाला और निकल आई, उसको भी चक्कर। देखो
ऐसे नहीं चिक्की रहता है बेटा, आपको नहीं पता। देखो बोल रहा है वो बार बार, बीप दे रहा है, रख दो नहीं है। आज मैं ऐसे ही सोऊंगी, टूट जाएगा बेटा। देखो 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 कैसे आई मम्मी, उसको रखो छोड़ा के पहले। आई मम्मी रहने दो बाबू, रहने दो, रहने दो बाबू, रहने दो। बेटा देखो मेरा छोटा सा बेबी, छोटा बेबी है ना, छोटा बेबी है ना आपका पैर। देखो मम्मा का भी पैर का है, ये देखो मेरा भी पैर है। अरे मिट्टी के तो काजल लगा है पैरों में। अरे वाह, हाथ अपने हैंड वाला दिखाओ काजल। अरे ये तो छोटा बेबी की तरह लगाया है इसने, छोटा बेबी है। आज मैंने पता है फीवर थोड़ा हल्का हल्का सुबह लग रहा था, और गोल्ड भी है, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी मैंने आज पता है, देखो ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है पीछे, वो देखो दिख रहा है मिट्टी दिखाती, वो देखो ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर टेडी बियर वगैरह रखे थे, और इसके ऊपर सब कुछ जो भी सामान रखा था सब कुछ हटा कर, रेक्सिंग जो बिछी हुई थी वो हटा कर, और टेडी बियर वगैरह धुल दिए हैं, पूरा साफ़ कर दिया है। आज ड्रेसिंग टेबल पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, केवल उसको ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे से अंदर रखना है, अंदर जो सामान फैला हुआ है, अंदर जो सामान फैला हुआ है सिर्फ उसको रखना है, बाकी बस बाकी सब तो सही रखा हुआ है। पूरा ड्रेसिंग टेबल सही हो गया मेरा, बस वही है कि जो उसको सही करना है। तो चलो अभी जब देखती हूँ अगर ड्रेसिंग टेबल, वो सब धीरे धीरे सफाई कर रही हूँ पता है घर की। सो गाइस, सो कर मैं उठी हूँ जस्ट, तो अभी नहीं सो गई थी मैं, जैसे ही मैंने आप लोगों से बात किया था मैंने कहा था मैं सोने जा रही हूँ, उस टाइम 12:30 बज गया था, 1 बजे मैं सो गई थी, और सोकर तो मैं उठ गई थी 3 बजे, जब ये आए हैं 3 बजे मैं सोकर उठ गई थी। फिर उसके बाद में मैं अभी फिर से लेटी थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग की क्लिप लेती हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कोई काम नहीं। आज लंच में भी मैंने जो सुबह बनाया था वही इन्होंने खा लिया है, मैंने भी कुछ नहीं बनाया है, और मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ बिस्किट और दूध वगैरह खा लिया था, वही खा लिया था, और बस अभी बैठी हूँ। मिट्टी लोग तो खेल रही हैं, अपना जो डेली का इनका रूटीन है वही कर रही हैं। देखो मिट्टी और मिट्टी की दीदी खेल रही है इधर, है ना, क्या खेल रही हो? अभी कोचिंग पढ़ाई हो क्या? पढ़ा कोचिंग में अच्छा। अरे वाह, कौन कौन सी पढ़ती हो? हिंदी की पढ़ती है। अरे कौन कौन सी मतलब पढ़ती हो? वैसे बहुवचन की नहीं होती है। अच्छा सिंगुलर, सिंगुलर रूलर। मिट्टी के बाल देखो कितने कर्ली कर्ली, देखो दो दो छोटी करते हैं इनको, देखो कितनी मजा आती है। इन्हीं की मम्मी है, जब ये आती हैं तो ये हमारी पागल हो जाती हैं, कहती हैं हमको लेके जाओ गोदी खिला के जाओ प्यार करके जाओ, है ना मखलूस? इसको हम लोग मखलूस बोलते हैं, ये किसी हरकतें देख के इसको मखलूस बोलते हैं। आज सुबह मम्मा मेरे कपड़े फैलाने आई, देखी पर भोकी नहीं, मैं समझ रही थी ना दीक्षा सो रही है, अगर दीक्षा उठ गई ना तो मारेगी हमको, इसलिए है ना, है ना जानी? क्या है वो उसकी ज्योति है? हाँ। और तुम नाम लोगी ज्योति आंटी का? हाँ, क्यों? बैड मैनर्स होती है ना, नाम ही लेते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? मेरा जुकाम नहीं लग रही है, मेरी वॉइस चेंज लग रही कि नहीं लग रही है? नहीं लग, इनको हमारी आवाज़ चेंज नहीं लग रही, देख लो बुखार जुकाम गुस्सा सर दर्द हो रहा है, जुकाम है, बुखार फीवर, तीनों चीज़ें हैं। देखो मेरे यहाँ शोप की भंडार है, वो देखो एक रखी हुई है शोप पीछे रखी है, देखो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, वहाँ पर रखे हुए। अब वो कहाँ रख दिया? पियर्स, एक अभी एक न्यू आया है, अभी अभी एक ये नया लेकर आए हैं, और उसको पता नहीं कहाँ पे सारी ज़्यादा फैला देती है। देखो रखा हुआ उसमें भी जैनी के बाल लगा के पूरे ख़राब कर दिए, सारे ख़राब कर देते हैं। हाँ आपका है, अच्छा अच्छी चीज़ें खा देती है, स्टार्ट हो रही है।
दवा मैंने वही रात में खाई थी, उसके बाद मैंने नहीं खाई है। और रात में मैंने बोला था ना आप लोगों से, अरे पता नहीं आवाज़ आ भी नहीं रही कि नहीं आ रही है, बोलती चली जा रही हूँ मैं आप लोगों से, पता नहीं आवाज़ आ भी रही कि नहीं, अब आ रही होगी। वही मैं बोल, ये लोग खेलने आ रहे हैं कि खेले क्या, है ना मिट्टी, ये अपना इधर बिजी है, ये अपना इधर बिजी है। चलो टीचर टीचर खेलते हैं, टीचर 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 खेलते हैं, टीचर टीचर, मैं टीचर बन गया, स्टूडेंट बनते हैं ना, है ना। तो देखिए मासी सब्जी काट रही हैं नीचे, सोया मेथी काट रही हैं वो, उनको देखो याद है अभी तक। तो वही फिर से विंटर्स आ रहे हैं, मजा आती है ना सर्दियों में, गर्मियों से अच्छी तो सर्दी होती है। खराब हो जाए तो दिमाग खराब हो जाए। पंखा फ्यूज हो गया, जल गया। देखो पंखा फ्यूज हो गया, कह रही मेरा पंखा फ्यूज हो गया। पंखा जल गया, अच्छा लेकर आए, बन गया। तो मैं ब्लॉग ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, यहीं से एंड करूंगी, क्योंकि काफी लंबे ब्लॉग बन जाएंगे, फिर आप लोग देखोगे नहीं, फिर मैं अच्छा बस ब्लॉग देख ही नहीं पाती। जो सीन मुझे देखना होता है बस मैं वही सीन, सीन में इनको क्या देखना होता है, सिर्फ अपने आप को देखना होता है। हाँ। ये सीन में देखती क्या है, सिर्फ अपने आप को देखती है, अपने मेरे ब्लॉग में, इनकी मम्मी मेरा ब्लॉग देखती है, तो चलो इसी बहाने दो दो ब्लॉग हो जाते हैं। मम्मी इनका ब्लॉग देखती है, मेरा मतलब देखती है, तो वो पूरा कंटिन्यू बैठ के आराम से देखती है, और जब ये देखती है तो आगे बढ़ा बढ़ा के सिर्फ अपने आप को देख लेती है। हाँ हाँ चलो हम दिख गए, चलो वाह हम दिख गए, हमको दिख गए, चलो चलो हम दिख गए, बस काम खत्म, चलो हमारे काम हो गया, हम पूरा हो गया, हम हो गए, हम आ गए और हम दिख गए, बस काम खत्म ना। या फिर जैनी का सीन देख लेगी या मिट्टी का सीन देख लेगी बस, उसके अलावा और देख लिया था। अच्छा देखो सारे पुराने पुराने ब्लॉग इन लोगों को याद रहते हैं। सो चलो यार ब्लॉग को करते हैं हम लोग इंड यहाँ से। छत पे रहते थे, अच्छा हम कहें हम छत पे कब से रहने लग गए यार। तो चलो ब्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, से बाय बाय गाइस, बाय बाय, अब बेल आइकन को प्रेस कर देना, ओके बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर, सी यू सून। तबीयत का अभी मेरा ठीक नहीं है, तो अपडेट देती रहूँगी, तो बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर, सी यू सून। टू टून टू टून टू टून, बाय बाय।